नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव। चलिए मैं आज बात करता हूं गुजरात नगर निगम चुनाव के बारे में। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, पंजाब का नगर निगम चुनाव हुआ था, जिसमें लोग कह रहे थे कि बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार गई है। ये तो बात सही कि बीजेपी पंजाब नगर निगम चुनाव में हार गई, लेकिन क्या आपको एक बात ये पता है, पंजाब में बीजेपी की उतनी अच्छी पकड़ आज भी नहीं है ना पहले थी। पहले तो पंजाब में भाजपा जो थी वो अकालियों से मिली हुई थी, अकाली दल प्लस भाजपा मिलके उन्होंने कैप्टन के पहले जो सरकार बनाई थी वो अकाली दल प्लस भाजपा मिलके बनाया था, ठीक है। अब अकाली भाजपा दोनों अलग अलग हो चुके हैं, अकाली और जो भाजपा जो मिलकर सरकार बनाते थे उसमें अकालियों का बहुत अहम योगदान रहता था। अकाली दल ही को ज्यादा सीटें आती थी भाजपा से ज्यादा, भाजपा को उस समय भी कम ही आती थी अकाली दल और कांग्रेस के मुकाबले, मतलब तो अकाली दल के साथ वो प्लस होकर के वहां पे सरकार बनती थी। ओके, तो आज के समय में क्या है, अकाली भाजपा तो अलग अलग है, तो ऑब्वियसली अकाली को भी नुकसान हुआ, बीजेपी को भी नुकसान हुआ, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में होल्ड नहीं है। तो इस नुकसान को कुछ लोग कह रहे थे कि ये आप देखिए किसानों का जो आंदोलन हुआ उससे बीजेपी को नुकसान हुआ है, किसान आंदोलन लीटर फिट है, बीजेपी को काफी नुकसान हो रहा है। आज का जो आप रिजल्ट देखेंगे गुजरात का, तो उससे क्या मैं ये कहूँ कि क्या किसान आंदोलन से बीजेपी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बीजेपी ने तो बंपर जीत की वहां पे गुजरात में, और ये जो दिल्ली का जो सेठ है जो इलेक्शन लड़ने गया था उसको तो कोई भी सीट ना मिली, एक दो मिली होंगी छिटपुट सीट, जो कूद कूद के लोग जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, कि चुनाव लड़के ये शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं, मैं भी जीतूंगा। तो जीत गए क्या, निकाले आपने सीट, कितने सीटें निकाला, बीजेपी ने तो बंपर जीत की, किसान आंदोलन की हवा निकल रही। मैं शुरू से कहता था कि किसान आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है, इसमें राजनीतिज्ञ बैठे हुए, किसान नहीं है ये, किसान तो अपने घर पे खेती कर रहे हैं, तभी तो आप अन्न खा रहे हैं, दाना पानी आपका चल रहा है, ये सब राजनीतिज्ञ पार्टी के कार्यकर्ता वर्कर से कैसे कैसे इन्होंने कांड किया, कैसे कैसे इन्होंने दंगा करने की कोशिश की, सरकार अगर थोड़ी सी भी अग्रेसिव हो जाती तो ये लोग हलाहंगामा मचाएंगे, ऐसे हो गया वैसे हो गया, गोली मार दी, ये मर गया, किसान मर गया, ये लोग का तो यही प्रोपेगेंडा था कि कोई किसान मरे। आज के रिजल्ट से तो ये साबित हो गया ना। अब आप उस दिन कह रहे थे कि पंजाब में बीजेपी हारी तो किसान आंदोलन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, बीजेपी हार रही है, अब क्यों नहीं कहते हो यार कि किसान आंदोलन फ्लॉप कर गया, अरे बोलो तो, भाजपा तो जीत गई नगर निगम चुनाव, पूरे गुजरात में नगर पालिका और नगर निगम इलेक्शन और नगर परिषद का, बताओ तो सही। अरे इतना जान लो, अभी आप लोग बहुत कमजोर हो, अभी भाजपा के सामने नहीं टिक पाओगे, टिकना बहुत मुश्किल है, टिकने के लिए आपको देशभक्त बनना पड़ेगा। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग और ये जो देशद्रोही सब के साथ जो आप लोग घुसे हुए हो ना, सब कभी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि यहाँ के लोग समझते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है, यहाँ के लोगों को सारी चीज पता है और ये लोग देखते हैं यहाँ के लोग किसे क्या करना है। क्या आपने भारत की जनता को मूर्ख समझ बैठा है क्या, या बेवकूफ समझ रखा है क्या, कि लोगों को बरगलाओगे और यहाँ के लोग आपके झांसे में आ जाएंगे, झांसे बात समझ रखा है क्या, कि ऐसा ऐसा थर्ड क्लास आंदोलन करके आप लोग को भड़काओगे या लोग आपको वोट देने चले आएंगे। नहीं होगा जी,
क्या सोच रहे हो कि 20-22 का यूपी गवर्नमेंट को तुम हिला दोगे? आपके दौरे करने से 20-22 की यूपी गवर्नमेंट जो इलेक्शन होगी उसमें क्या हार जाएगी क्या? हमारे महाराज जी और बाबा जी हार जाएंगे क्या? कभी नहीं हारने वाले हैं, जान जाओ। योगी जी महाराज जी के ऐसा नेता तो मिलेगा भी नहीं, अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो, फिर देखना फिर तुम लोगों को कैसे आग लगेगी। कहो ना, किसानों की हार है, बीजेपी तो जीती आज गुजरात में, बड़ा गए थे गुजरात में इलेक्शन लड़ने, सेठ जी दिल्ली के कितने सीट लाए, क्या आई सीट आपकी? इस बार तो गलती से जीत गया दिल्ली में, अगले बार से नहीं जीतोगे आप, लोग आपको समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, आप कैसे लोग को भड़काते हो। एक बेचारा अंकित शर्मा मरा, उसे पीठ में छुरा घोंप के मार दिया गया, उससे ये इंसान मिलने नहीं गया, मिलने नहीं गया, एक शब्द नहीं कुछ बोला। अब देखो ये फर्जी जो पकड़ाई है टूलकिट वाली लड़की और टूलकिट वाला लड़का जो देश को दहलाने की साजिश में पकड़ाया है, उसके खिलाफ उसके पक्ष में बोला जा रहा है, ये इंसान बोलते जा रहा है, ये टूलकिट गैंग के साथ खड़ा है। हर आंदोलन सक्सेस नहीं होता है, हर चीज का समय होता है, वो समय गया जब आप आंदोलन करके सक्सेस हो गए, अब नहीं आएगा वैसा समय। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोगों को बात समझ में आती है। मेरे जैसा आम नागरिक, आम इंसान हर कोई देखता है। अरे यार तुम लोग आओगे तो देश की दुर्दशा कर दोगे, देश चलने नहीं दोगे, देश में अराजकता के माहौल हो। बंगाल में देखो क्या हो रहा है, मैं बंगाल के भाइयों आप लोग सोच समझ के वोट देना, इस बार अच्छे से वोट देना, अच्छी पार्टी को वोट देना, कि आप लोग ये जंजाल से निकल जाओ। ये जो बैठे हुए ना बंगाल में, जो आपकी गर्दन काटने वाले हैं, उससे निकल जाओ आप लोग। और जो वहां पर हर चीज में पैसा लेते हैं, हर चीज में कमीशन खाते हैं, वो कमीशन देना भी बंद कर दो। अगर आप सरकार बदलोगे तो आपकी कमीशन भी बंद हो जाएगी, अगर आप घर बनाते हो तो उसमें कमीशन देना पड़ता है, उसे ही कट मनी कहते हैं। जो जिस अगर किसी पार्टी का सदस्य कार्यकर्ता आपसे पैसा ले, आप कोई काम कर रहे हो या आप गाड़ी खरीद रहे हो या घर बना रहे हो या शादी कर रहे हो, किसी भी तरह का आप इवेंट कर रहे हो, उसमें कोई पार्टी का कार्यकर्ता पैसा मांगे, वो कट मनी हुआ, उसे ही कट मनी करते हैं। कुछ परसेंटेज आप मुझे दे दीजिए, जो पहले कभी बिहार में भी हुआ करता था ये सब चीज, लेकिन आप ये सब चीज खत्म हो चुका है। दल से बड़ा देश होता है, जानते हैं ना, इसे देश के लिए लड़ना मरना सीखिए। जय हिंद।